हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्लेटफॉर्म रुकमणी 2500 प्लस से हम सेट नंबर 12 कराएंगे। 20/9/2018 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चंस रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चंस नंबर पहला आपका है 64, 28 और 96 का मात्रा बताइए। तो 64 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 4 और 28 को लिख सकते हैं 7 गुना 4 और 96 को लिख सकते हैं हम 24 गुना 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं कितना है 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, 72 का स्क्वायर बराबर 5, 1, x 4 है, तो x का मान क्या होगा। तो पहले 72 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 7 दुनी 14, 14 दुनी 28, 28 के 8, बाकी 2, फिर 7 सत्ते 49 और 2 51। ये आपका 5184 हुआ। इधर भी कितना है 51x 4। तो दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, x के स्थान पर कितना है 8, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवृत्ति सारणी के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि ये परिवार का आकार दिया है, ये परिवारों की संख्या दिया है, तो बहुलक यानी कि मोड आपको बताना है। तो आप जानते हैं बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन बटे 2f0 माइनस एफ माइनस वन और माइनस एफ प्लस वन, और इतना गुना कितना होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं h, यानी कि h क्या है वर्गमूल। अब देखिए एल क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, तो सबसे अधिक बारंबारता आपका ये 9 है, तो 9 के संगत जो आपका ये है 3 से 5, यही आपका है जो बहुलक वर्ग है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये आपका क्या है बहुलक वर्ग, 3 से 5 है जो आपका बहुलक वर्ग है। तो एल क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि 3 आपका क्या है एल है, ये 9 क्या है 9 है आपका एफ जीरो, और 7 क्या है इससे पहले है यानी कि f माइनस वन है, और 2 क्या है 9 के बाद है तो f प्लस वन है, और h क्या होता है h आपका वर्ग अंतराल होता है, यानी कि 3 और 1 का गैपिंग, यानी कि 3 माइनस 1 तो 2, या ऐसे भी बोल सकते हैं 5 माइनस 3 तो कितना हुआ ये भी 2, इसी प्रकार से 7 माइनस 5 तब भी 2, यानी कि h का मान वर्ग अंतराल 2 है, 2 2 का गैपिंग है, 7 2 9, 9 2 11, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप बनाने जा रहे हैं, डेट मीन्स कहने का मतलब एल का मान कितना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ये 3 से 5 है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 3 आपका क्या है एल है, उसके बाद प्लस। अब देखिए एफ जीरो, ये 9 आपका है एफ जीरो, फिर माइनस एफ माइनस वन ये आपका 7 है, फिर बटा 2f0 मतलब 2 गुना 9, फिर माइनस एफ माइनस वन यानी कि आपका 7 है, फिर माइनस एफ प्लस वन यानी कि आपका 2 है, और इतना गुना कितना होता है h, h कितना है तो 2 2 का गैपिंग है, 7 2 9, 5 2 7, 9 2 11, 3 2 5, 1 2 3, मतलब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस 9 माइनस 7 तो 2 हो जाएगा, बटे 9 2 18 माइनस 7 और माइनस 2 यानी कि 18 माइनस 9, तो यहाँ पर 9 होगा, और गुना 2। अब देखिए ये कितना हो गया, तो 3 प्लस ये 4 बटा 9, तो 3 प्लस 4 बटा 9 को पॉइंट में करेंगे तो 0.444 इस तरह से आपका होते रहेगा। डेट मीन्स कहने का मतलब 3 प्लस यहाँ पर 0.444 जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि 3 दशमलव कितना हो जाएगा 4, 4, 4 इसी तरह से। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चार, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह से हमने समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रा कर दिया, ये वाला आपका कितना है समकोण यानी कि 90 डिग्री, और ये दोनों आपका न्यून कोण होता है, तो एक कोण दे दिया है कितना 58 डिग्री। मान लीजिए कि ये वाला आपका कितना है 58 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा जो आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ तो 90 डिग्री ये हो गया, तो ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 58 डिग्री प्लस VAR बराबर 90 डिग्री। डेट मीन्स कहने का मतलब 90 डिग्री में से 58 डिग्री घटा दीजिए, तो 58 2 60 30 90 यानी कि कितना हो गया ये आपका 32 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, तो 4 का देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 32 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5, 5 नंबर क्वेश्चन से 66 किलोमीटर
प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो आप जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल लंबाई बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है कितना आपके प्रश्न में 410 मीटर, यानी कि x प्लस 410 ये आपका क्या हो गया कुल दूरी। अब देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो यहाँ पर चाल गुना समय, तो चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे यानी कि 5/18 से गुना कर देंगे, ये आपका चाल हो गया। यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय, तो समय कितना दिया है आपके प्रश्न में कि लिखा है कि उस समय 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो 30 से गुना करना होगा। अब कैलकुलेट कीजिए, तो 6 × 18 = 6 × 5 = 30 × 22 = 66। अब देखिए गुना कर लीजिए, तो 2 × 5 = 72 से मतलब 110 गुना 5 करेंगे तो 550। यानी कि इस तरह से हमने सबसे पहले लिख दिया और ये x प्लस 410 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 550 माइनस 410, यानी कि 550 में से 410 घटाइए, दैट मींस x का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 40 और ये 140 हो जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब ऑप्शंस नंबर 140 मीटर में ऑप्शंस नंबर डी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शंस नंबर ए आपका दिया गया है पाई, और पाई क्या है आप जानते हैं, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है। डेट मीन्स कहने का मतलब आप जानते हैं, डेट मीन्स हम यहाँ लिख देते हैं कि पाई क्या है, पाई जो इरेशनल नंबर, यानी कि पाई आपका है जो अपरिमेय संख्या है, इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये लिखा गया है 15,000 रुपया की धनराशि पर 5 वर्ष में 4,500 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज की दर क्या है? तो दर बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ब्याज गुना 100/ मूलधन गुना समय। तो देखिए ब्याज आपके प्रश्न में दिया है कितना, ये 4,500 रुपया है, तो 4,500 × 100/ मूलधन कितना दिया है 15,000, और समय कितना दिया है, तो समय दिया गया है 5 वर्ष में। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर 1, 2, 3 जीरो से 1, 2, 3 जीरो कैंसिल कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये 15 × 45 ये कैंसिल हो गया और ये 5×6 = 30, यानी कि 6% कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये आपका बी नंबर ऑप्शन दिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक नंबर क्वेश्चन आपका है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि ए है जो भरने वाला है, ये कितना देर में भरता है, तो 45 घंटा में भरता है, और बी है ये भी भरने वाला है, ये 36 घंटा में भरता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो कुल हमें कितना यूनिट भरना है, तो 45 और 36 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 180, मतलब 180 यूनिट आपको काम करना है, तो 180/45 यानी 45 × 180 इफिशियंसी कितना हो गया 4, लेकिन प्लस 4 लिखेंगे क्योंकि भरने वाला है। उसी प्रकार से 180/36 यानी कि 36/5 होता है, तो इसका इफिशियंसी कितना हो गया 5, प्लस हमने लिखा क्योंकि भरने वाला है। अब देखिए 180 यूनिट आपको भरना है, तो दोनों मिलकर भरेगा तो 4 + 5 यानी कि 9 के क्षमता से भरेगा, डेट मीन्स कहने का मतलब कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर बी नंबर 80 यानी कि 20 घंटा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया है 20 घंटा, देखिए ऑप्शन नंबर 8 का सी में दिया गया है 20 घंटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची दूरी टांगे से तय करता है, यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी टांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसे 1 घंटा का अधिक समय लगता है, टांगे की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सबसे पहले कि टांगे की चाल है जो आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए सबसे पहला लाइन लिखा है यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक, उसमें से 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर तय करता है,
यानी कि समय कितना लगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी कि यहाँ पर 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है 4 के स्पीड से, ये आपका समय हो गया। फिर उसके बाद देखिए प्लस, अब शेष दूरी कितना बचा, तो कुल हमें 40 किलोमीटर तय करना है, जिसमें से 16 किलोमीटर हमने 4 के स्पीड से तय कर लिया, तो कितना दूरी अभी बचा है, यानी कि 40 में से 16 घटा देंगे, यानी कि 24 किलोमीटर हमें अभी और दूरी तय करना है। तो यहाँ देखिए लिखा है क्वेश्चन में, और बाकी दूरी, बची हुई दूरी यानी कि 24 किलोमीटर आपका दूरी बचा हुआ है जो तांगा से तय करता है, तो यहाँ पर 24 किलोमीटर की दूरी तांगा से तय करता है, तो 24 किलोमीटर की दूरी x के स्पीड से तय करता है। आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से, अब की बार लिखा है कि यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से, यानी कि 16 किलोमीटर की दूरी तांगा से तय करेगा, यानी कि x के स्पीड से, और देखिए आगे क्या क्वेश्चन में लिखा है, और शेष दूरी, मतलब शेष दूरी आपका कितना, तो 24 किलोमीटर, शेष दूरी 4 के स्पीड से तय करेगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, यानी कि ये आपका 24 किलोमीटर शेष आपका है ये 4 के स्पीड से तय करेगा। तो देखिए आगे क्वेश्चंस में क्या लिखा है, तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता है, मतलब इसके अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, अब ये बराबर है दोनों, तो देखिए इसको सोल्व कीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा प्लस ये 24 बटा एक्स और प्लस 1 ये कितना 16 बटा एक्स और ये 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 4 प्लस 1 5, तो 5 उधर चला जाएगा, यानी कि ये इधर 6 है तो प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, इधर देखिए 24 बटा एक्स है और प्लस 16 बटा एक्स इधर आएगा तो माइनस 16 बटा एक्स होगा, 24 में से आप 16 घटाइएगा तो कितना होगा 8 होगा, यानी कि 8 बटे एक्स बराबर ये 6 माइनस 5 यानी कि 1 बटा 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक्स गुना 1 यानी कि एक्स बराबर 8 गुना 1 तो 8, एक्स का मान 8 हो गया, यानी कि तांगे की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, आंकड़े 2x 7 3 y 9 6 का माध्य 6 है और जहां x और y नियतांक है, मतलब वेयर x एंड y इज ए कांस्टेंट, यदि x को 3x प्लस 1 और y को y प्लस 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो माध्य 2 बढ़ जाता है, x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहां पर इसका माध्य 6 दिया है, माध्य यानी कि एवरेज क्या होता है, तो योगफल बटा संख्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 3 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 6 बटा टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो बटा 7 करेंगे और ये कितना आपका 6 के बराबर है, यानी कि माध्य बराबर हमने लिखा है योगफल बटा संख्या। अब इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये 2 प्लस 7 9 3 12 12 और 6 18 18 9 27 यानी कि 27 प्लस एक्स प्लस वाई और ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 6 7 42। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 42 माइनस 27, तो 42 में से आप 27 घटाइए तो 27 13 40 होता है और 2 आओ यानी कि ये 15 हो जाएगा, 42 में से 27 घटाइए तो 15 होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 15, ये इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि x को 3x प्लस 1 से और y को y प्लस 3 से प्रतिस्थापित करें, यानी कि x के जगह पर आपको कितना लिखना है, यहां लिख देते हैं x के जगह लिखना है आपको 3x प्लस 1 और y की जगह कितना लिखना है, y की जगह लिखना है आपको y प्लस 3, तो माध्य आपका 2 बढ़ जाता है। तो यहां पर देखिए 2 प्लस x के जगह कितना लिखेंगे आपकी बार 3x प्लस 1, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है 7 प्लस 3 और प्लस y के स्थान पर कितना लिखेंगे y प्लस 3 और उसके बाद कितना है 9 और 6, तो ये टोटल तो आपका 7 ही संख्या है तो बटा 7 लिखेंगे और ये देखिए माध्य पहले 6 था तो 2 बढ़ जाता है यानी कि 6 प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 8 हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर अंक को पहले जोड़ते हैं यानी कि 2 1 3 फिर 7 3 10 3 13 13 और यहाँ पर 3 13 3 कितना हो गया 16 16 9 25 25 6 31, तो यहाँ पर हमने लिखा 31 प्लस ये 3 एक्स और प्लस ये बाई और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तिरछे तिरछे गुना तो 7 गुना 8 यानी कि 56। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 एक्स प्लस बाई बराबर 56 माइनस 31, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 56 में से 31 घटाइएगा तो 25 होगा।
यहाँ पर छह में से एक जाएगा पांच, पांच में से तीन जाएगा दो, ठीक है। यानी कि तीन एक्स प्लस वाई बराबर पच्चीस हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमें क्या चाहिए, x का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन में दिया है x का मान ज्ञात कीजिए, तो y को हमें काट लेना है, यानी कि आप विलोपन विधि का यूज कीजिए, तो y को हम काटना चाहते हैं, तो यहाँ प्लस y है, यहाँ भी प्लस y है, तो अगर जो हम इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को घटाते हैं तो देखिए क्या होगा, यानी कि इक्वेशन टू आपका कितना है थ्री एक्स प्लस वाई बराबर पच्चीस, और इक्वेशन वन आपका कितना है एक्स प्लस वाई बराबर पंद्रह, तो साइन चेंज हो जाता है घटाने पर, ये प्लस में है x तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा, ये प्लस 15 है तो माइनस 15 हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए, यानी कि प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 1x तो 2x बराबर 25 माइनस 15 तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि x का मान कितना हो गया 5, यही आपसे पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन से, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पांच ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर जो इसमें आपसे पूछे y का मान कितना होगा, तो देखिए x का मान हमने निकाल लिया कितना हो गया 5, तो y निकालने के लिए 15 में से आप 5 घटा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 10, क्योंकि x प्लस y 15 है, जिसमें से x आपका 5 हो गया, तो y कितना होगा, y 10 होगा, तभी 5 प्लस 10 15 होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर देखिए 11, दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है, AOB एक सीधी रेखा है, कोण AOC 67 डिग्री है, AOC 67 डिग्री है, और कोण BOC का द्विभाजक OD है। देखिए ध्यान से क्या लिखा, कोण BOC, BOC का द्विभाजक OD है, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, अगर ये x है तो ये भी आपका x है। आगे देखिए क्या लिखा है, कोण BOD का मान डिग्री में बताइए, यानी कि BOD ये वाला कोण आपसे पूछा है, तो आप जानते हैं कि एक रेखा की गुण पर पूरा कितना होता है, ये 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 67 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस एक्स यानी कि 2x बराबर 180 में से आप 67 घटाइए तो 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पर 17 में से आप 6 घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, तो x का मान कितना होगा 113 बटा 2, तो 2 पचे 10, उसके बाद 1 और 3 2 6 12 1 बटा 2 मतलब 0.5, यानी कि 56.5 डिग्री, ये कितना हो गया 56.5 डिग्री, तो कोण बीओडी कितना हो गया 56.5 डिग्री। अगर ये पूछे तो ये भी आपका 56.5 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए 56.5 डिग्री ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, 5% अनुपस्थित है यानी कि 95% उपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 5% अनुपस्थित है तो 95% उपस्थित हुआ, और यहाँ पर दिया है उपस्थित कितना है 38, यानी कि 95% का वैल्यू कितना दिया है आपके प्रश्न में 38, तो कुल छात्रों की संख्या पूछा है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 38 बटा 95 होगा, और 100% का निकालना है तो 100 से गुना कीजिए, 19 दुनी 38, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 20 दुनी 40, कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 8 घंटा में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 12 घंटा में समाप्त कर पाता है, यदि ए और बी मिलकर कार्य करें तो वे कितने समय में कार्य समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए है जो किसी काम को 8 घंटा में पूरा कर देता है, बी है जो उसी काम को 12 घंटा में पूरा कर देता है, तो 8 और 12 का एलसीएम लीजिए तो 24 यूनिट होगा आपका टोटल वर्क करना है। अब देखिए 24/8 यानी कि 3 इफिशियंसी हो जाएगा आपका ए का, फिर 24/12 यानी कि 2 आपका इफिशियंसी हो जाएगा बी का, यानी कि टाइम आपको निकालना है दोनों मिलकर कितना देर में करेगा, तो 24 यूनिट काम करना है दोनों मिलकर करेगा, यानी कि 3+2 5 के क्षमता से, तो 24/5 घंटा लगेगा, कौन सा ऑप्शन दिया है, बी नंबर ऑप्शन दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक 16 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी कि ईंटों की संख्या बराबर हम बोल सकते हैं बड़े आयत का क्षेत्रफल बटे छोटे आयत का क्षेत्रफल, दैट मीन्स कहने का मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं, बड़ा आयत का क्षेत्रफल 16 मीटर वाई कितना हो जाएगा, तो ये आपका दिया है 10 मीटर, उसी प्रकार से छोटा आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर वाई 10 सेंटीमीटर, इस तरह से आपको दिया गया है,
तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट को समान कीजिए, तो यहाँ पर 16 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 1600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए 10 मीटर है तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, बटे ये आपका 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 10 से 10 कैंसिल और ये 20 पचे 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1600 गुना 5 16 पचे 80 यानी कि कितना हो गया 8000। तो 8000 ईट आपका आंसर होगा कौन सा ऑप्शन से, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 के बाद 15 क्वेश्चन नंबर देखिए 15। यदि 3 sec² x - 2 tan² x बराबर 6 है और x का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच है तो x क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला जानते हैं कि sec² x - tan² x बराबर कितना होता है 1, ये तो सभी लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। ये आपका 3 sec² x है, इसे हम सजा करके लिख सकते हैं 1 sec² x और प्लस 2 sec² x और ये आपका -2 tan² x है बराबर कितना 6। इसके बाद ध्यान से देखिए 1 sec² x प्लस यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो sec² x - tan² x हो जाएगा और इतना बराबर कितना है 6। अब देखिए 1 sec² x प्लस 2 गुना इसका मान 1 हो जाएगा, वाई फॉर्मूला बराबर 6, यानी कि 1 sec² x को आप sec² x भी लिख सकते हैं बराबर 6 और प्लस 2 गुना 1 मतलब प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 यानी कि ये आपका 6 - 2 तो 4 हो गया, तो sec x आपका क्या हो जाएगा √4 यानी कि 2। तो sec x 2 है मतलब 2/1 है, तो sec का उल्टा cos होता है यानी कि cos x आपका 1/2 होगा और cos में किसका मान 1/2 होता है तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 यानी कि x के जगह पर कितना है तो 60 डिग्री और रेडियन में बोले तो π/3 रेडियन, तो डिग्री में या रेडियन में किस में दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर है 15 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर देखिए 16। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अगर जो हम राम को 20 अंक और दे देते हैं तो वह पास हो जाएगा, डेट मीन्स 40% अंक राम को प्राप्त हुआ और 20 अंकों से वह फेल हो गया, मतलब 20 अंक हम इसे दे देते हैं तो यह पास हो जाएगा। इसके बाद देखिए आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है, यानी कि आदित्य है जो 45% अंक लाता है लेकिन जितना पास होना चाहिए उससे 30 अंक ज्यादा लाता है, यानी कि पासिंग मार्क्स हम अगर जो निकालना चाहे तो 45% में से हम ये 30 अंक घटा देंगे तो ये भी आपका पासिंग मार्क्स हो गया, दोनों बराबर है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए, ये आपका 45% है और प्लस 40% इधर जाएगा तो -40% होगा और ये आपका प्लस 20 पहले से है, -30 इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 5% और इधर कितना 50 हो गया, यानी कि 5% बराबर 50 अंक, तो हमें परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ पर एक अंक बराबर कितना होगा, तो इस तरह से बोल सकते हैं 5/50 ये आपका इतना परसेंट हो जाएगा यानी कि 1/10%। हम अगर जो 20 अंक का मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 1/10 × 20 इतना परसेंट में यानी कि 10 × 20 तो ये आपका 2% हो जाएगा, 20 अंक मतलब 2%, तो यहाँ पर 20 अंक के जगह पर हम लिख सकते हैं ये आपका 2% है। उसी प्रकार से हम अगर जो 30 अंक लिखना चाहे तो ये आपका 3% होगा, दैट मीन्स 40% प्लस 2% तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 42% हो गया पासिंग मार्क्स, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं 45% - 3% तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 42% हो गया, यानी कि पास का परसेंटेज पासिंग मार्क्स है जो कितना हो गया 42%, यही आपसे पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन है 42%, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 16, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर देखिए 17, 0.12 / 0.15/2 है, तो देखिए 0.12 को हम 12/100 लिख सकते हैं भागा ये आपका 0.15 कितना है 1/5 तो ये 15/100 है, तो गुना में करेंगे तो 100/15 हो जाएगा और ये आपका
कितना है बटा दो है, यानी कि गुना एक बटा दो लिख सकते हैं इसे। अब इसको सोल्व कीजिए, सौ से सौ कैंसिल हो जाएगा, दो छह के बारह, फिर तीन दूनी छह, तीन पचे पंद्रह, दो बटा पांच, दो बटा पांच को ही आप लिख सकते हैं चार बटा दस, यानी कि जीरो दशमलव चार। कौन सा ऑप्शन है तो सत्रह का देखिए ऑप्शन नंबर ये जीरो दशमलव चार जो दिया है बी नंबर ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह के बाद अठारह, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी कोष्टक का हल करेंगे। तो देखिए दो गुना दस तो ये बीस हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा बीस, यानी कि पच्चीस माइनस बीस तो ये आपका कितना हो जाएगा पांच। अब देखिए ये तीन का पांच यहाँ लिख देते हैं, तीन का पांच मतलब तीन पचे पंद्रह हो जाएगा ये। अब देखिए ये पांच प्लस कितना हो जाएगा पंद्रह, तो पांच प्लस पंद्रह बीस हो जाएगा, यानी कि अठहत्तर माइनस बीस तो घटा लीजिए, डेट मीन कहने का मतलब अंठावन हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया है, अंठावन डी नंबर ऑप्शन दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर देखिए 19, पिता की आयु माँ की आयु से पांच वर्ष अधिक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं पिता की आयु है जो माँ की आयु से कितना वर्ष अधिक है, तो प्रश्न में दिया है कि पांच वर्ष अधिक है, इस तरह से दिया गया है, यानी कि माँ की आयु जितना होगी उससे पांच वर्ष ज्यादा है पिता की आयु। आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है माँ की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु से तीन गुना है। यहाँ पर हम लिखते हैं देखिए अब की बार क्या लिखा है, माँ की वर्तमान आयु है जो उसकी पुत्री की आयु की कितना है, तो ये आपका तीन गुनी है। आगे देखिए लिखा है पुत्री की वर्तमान आयु बारह वर्ष है, पुत्री की वर्तमान आयु कितना दिया है बारह वर्ष है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पुत्री की वर्तमान आयु कितना दिया है, ये आपका बारह वर्ष दे दिया है। तो आपसे पूछा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पुत्री की आयु बारह वर्ष है तो यहाँ पर हम बारह रखेंगे, तो बारह का तीन गुना मतलब ये आपका छत्तीस वर्ष माँ की आयु हो गई। यहाँ पर माँ की आयु छत्तीस वर्ष लिखेंगे तो छत्तीस प्लस पांच यानी कि इकतालीस वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, डेट मीन्स कहने का मतलब 41 में से आपको 12 घटा देना है क्योंकि पुत्री है जो 12 वर्ष की हो गई है, तो 41 में से 12 घटा देंगे यानी कि 29। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितना 29 वर्ष, कौन सा ऑप्शन से ऑप्शन नंबर डी है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19 के बाद 20, 20 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से है पांच का घात कितना है 0.25, उसके बाद गुना, फिर लिखा है 125 का घात कितना है ये दिया गया है 0.25, ये भी आपका कितना है 2.5, उसके बाद बटा, फिर लिखा है 256 का घात कितना है 256 का घात आपका है 0.1, फिर गुना, इसके बाद लिखा है 256 का घात कितना है तो ये दिया गया है 0.15। तो यहां पर आपसे इसका वैल्यू पूछा है कितना होगा, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले 125 जो होता है क्या होता है, 125 को हम लिख सकते हैं पांच गुना पांच गुना पांच, यानी कि 125 के जगह पर हम पांच का घात तीन लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ये कितना पांच का घात कितना लिखा गया है तीन, 125 को हमने लिखा पांच का घात तीन। उसी प्रकार से 256 है तो यहां पर देखिए आप जानते हैं 16 गुना 16 कितना होता है, ये आपका 256 होता है, सभी लोग जानते हैं। और 16 क्या होता है चार का स्क्वायर, तो चार का स्क्वायर गुना चार का स्क्वायर ये आपका 256 है, यानी कि चार का घात कितना 2 + 2 यानी कि चार, तो चार का घात चार कितना होता है 256, 256 की जगह हम कितना लिख सकते हैं चार का घात चार, यहां भी लिख सकते हैं ये 256 की जगह पर चार का घात चार। अब आप रूल जानते हैं कि ए टू डी पावर एम और इस पर पावर अगर जो एन है तो पावर पावर गुना हो जाता है एम गुना एन, तो यहाँ पर देखिए पांच का घात तीन है और इस पर भी घात 0.25 है, तो तीन गुना 0.25 यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरह से पांच का घात तीन गुना 0.25, अब ये गुना कीजिएगा तो 25 × 3 = 75 यानी कि कितना हो गया ये आपका 0.75, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट और होता है ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम प्लस एन, यानी कि गुना में जब आधार समान हो तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, यहीं पर कर देते हैं, यानी कि दोनों का आधार आपका समान है, यानी कि आधार आपका पांच है, ए के जगह पर पांच है, एम के जगह पर 0.25 है और एन के जगह पर कितना है तो 0.75 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करना चाहे तो पांच पे पावर कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 0.75, उसी प्रकार से नीचे देखिए चार का घात चार और इस पर घात कितना है 0.1,
तो 0.1 गुना 4 करेंगे तो 0.4 होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं फाइनली कि 4 का घात कितना हो गया 0.4। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 का घात 4 और इस पर भी घात कितना है, ये आपका 0.15 है, तो 0.15 गुना 4 करेंगे तो 15 × 4 = 60 यानी कि 0.6 होगा। तो 4 का घात कितना हो गया 0.6, तो यहाँ पर 4 का घात कितना हो जाएगा 0.4 + 0.6 इस तरह से। अब आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5 का घात कितना हो गया 0.25 + 0.75 यानी कि 1.00 हम लिख सकते हैं, बटे 4 का घात कितना हो गया 1.0, ये 0.4 + 0.6 मतलब 1.0, तो 5 का घात 1 बटे 4 का घात 1 यानी कि 5/4। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, 20 का ऑप्शंस नंबर आपका ये दिया गया है 5/4 डी नंबर ऑप्शंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 21, क्वेश्चंस नंबर देखिए 21। एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की संख्या 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है, 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या कितनी होगी। तो अभी कितना है आरबीसी की संख्या, अभी है 54,000, 5% की प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, तो अगला दिन कितना हो जाएगा यानी कि 105% इसका 5% से बढ़ रहा है मतलब 105%, तो 105/100। फिर अगला दिन कितना हो जाएगा इसका 5% वृद्धि यानी कि 105%, तो 105/100। ये आपका इस तरह से हो जाएगा, तो 21/75 से 20/100, 21/105, 20/100, 1, 2, 0 से 2, 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 27 × 54 यानी कि 270 × 540, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 135 × 270, 135 × 21 ×21 करेंगे यानी कि 135 × कितना करेंगे 441। तो ये आपका आ जाता है ऑप्शंस नंबर डी में दिया गया है 59,535, गुना कर लीजिएगा 59,535 ऑप्शंस नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्वेश्चंस नंबर 21 का डी आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चंस नंबर देखिए 22 आपका है जो डी आई है, क्या लिखा है क्वेश्चंस देखिए, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, स्टोर ए है, स्टोर बी है, स्टोर सी इस तरह से है। तो किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है, तो ऑप्शंस नंबर देखिए सी यानी कि वर्ष 3 या 3 जो लिखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 3 में आप देखिए तो ये जो आपका डार्क कलर का है यानी कि जो आपका डार्क कलर का है वो आपका स्टोर सी है 5 है, और इससे आप देख सकते हैं कि ये जो इसके पहले वाला दोनों है 5 से ज्यादा है यानी कि 8 है और 9 है, यानी कि ऑप्शंस नंबर सी जो वर्ष 3 है year 3 है वो आपका करेक्ट आंसर है year 3, इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं या हिंदी में वर्ष 3। इसके बाद 22 के बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर 23, दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है, निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है, कंपनी PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए, तो PQR यहाँ देखिए परसेंटेज में कितना है तो 25% है, तो 12,40,000 का 25% आपको करना है। यहाँ पर PQR जो आपको दिया गया है ये कितना है तो 25% है, तो 25% का वैल्यू कितना होगा ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर क्लियरली आप बता सकते हैं, डेट मीन्स कहने का मतलब 12,40,000 का 25% कहने का मतलब 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम 1/4 लिख देते हैं, ये 1, 2, 4 ये कितना है 4 0, तो 31 × 124 होता है और ये 4 0, डेट मीन्स कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कितना हो गया 3,10,000। ये कौन सा ऑप्शन है देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है ए नंबर ऑप्शन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चंस नंबर देखिए 24, यदि ईट के 7/16 भाग का भार 21/8 केजी है तो ईट के 5/12 भाग का भार कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 7/16 भाग का भार कितना आपके प्रश्न में दिया है, ये दिया गया है आपके प्रश्न में 21/8 केजी है, तो सबसे पहले इसे सोल्व कीजिए थोड़ा, तो 7 × 7 = 21, यहाँ पर 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, 2 × 3 = 6 मतलब एक भाग का भार कितना हो गया, एक भाग का भार हो गया 2 × 3 डेट मीन्स कहने का मतलब 6 केजी। तो आपसे पूछा है क्या कि 5/12 भाग का भार कितना होगा, 5/12 भाग का भार कितना होगा, तो डेट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा 6 × 5/12
यानी कि 6 × 12 तो 5/2 kg या 2.5 kg भी बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। तो इस तरह से देखिए यहां पर 24 के बाद आपका आंसर की दिया गया है, यानी कि ये आपका था मैथमेटिक्स रेलवे ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट 3rd सेट नंबर 12। तो इसी तरह से अगर जो रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 आपका रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैथमेटिक्स क्वेश्चंस बैंक आपका है 2500+, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल पर हमेशा बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सिलेक्ट कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि आपके मोबाइल या लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आए और उस पर क्लिक करके आप देख सके, या नोटिफिकेशन ना भी आए तब भी आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख सकते हैं। जो भी आप देखना चाहे अगर अवेलेबल है तो जरूर देखिए, और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए वीडियो देखने के बाद।